देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की मूवी का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है, तब से उनके फैंस ने उसे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर बना दिया है। ये मूवी 24 जुलाई को डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। जहां पर कुछ बॉलीवुड स्टार्स के द्वारा इस ट्रेलर को सराहा जा रहा है, वहीं पर वो अपने सोशल अकाउंट पर इसे शेयर भी कर रहे हैं। वहीं बॉलीवुड बिगीज इसे पूरी तरह इग्नोर कर रहे हैं। क्या ये नेपोटिज्म के चलते हुए विवाद के कारण है या इसके पीछे कोई और वजह है, चलिए जानते हैं। सुशांत सिंह राजपूत की लास्ट मूवी का ट्रेलर जब से लॉन्च हुआ है, तब से उनके फैंस ने इस ट्रेलर को शेयर करना शुरू कर दिया और इस ट्रेलर को अब तक के सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला ट्रेलर बना दिया। जहां सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त इस ट्रेलर को देखकर उनके लिए ट्वीट कर रहे हैं, वहीं कुछ सेलिब्रिटीज ने इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। आखिर क्यों आलिया भट्ट और करण जौहर जैसे बॉलीवुड स्टार्स दिल बेचारा को नहीं कर रहे हैं प्रमोट? उन्होंने बाकी सितारों की तरह दिल बेचारा की तारीफ क्यों नहीं की है? क्या उन्होंने नेपोटिज्म डिबेट के चलते हुए बॉलीवुड में चुप्पी बनाई हुई है? सुशांत सिंह राजपूत की इस फिल्म का ट्रेलर हर तरह के रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। YouTube में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाले ट्रेलर से लेकर मिलियंस में लाइक कमाने तक इस ट्रेलर को लोग खूब पसंद कर रहे हैं, पर बॉलीवुड की कुछ हस्तियों ने ना ही इस ट्रेलर की तारीफ की और ना ही इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया। जिन हस्तियों पर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के इल्जाम लगाए गए थे, उन्होंने इस ट्रेलर पर कुछ भी नहीं कहा। करण जौहर, आलिया भट्ट, सोनम कपूर और अनन्या पांडे जैसे स्टार्स ने इस ट्रेलर के बारे में कुछ भी नहीं कहा। क्या ये सब बॉलीवुड स्टार्स और स्टार किड्स को टारगेट करने की वजह से है या कुछ और? दिल बेचारा के ट्रेलर पर मिल रहे डिसलाइक्स पर भी सुशांत सिंह के फैंस ने बॉलीवुड बिगीज को ही दोषी ठहराया है। फैंस द्वारा जहां इस मूवी के ट्रेलर को प्यार दिया जा रहा है, वहीं पर स्टार किड्स को इनकी नफरत का सामना भी करना पड़ रहा है। आपकी क्या राय है इसके पीछे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और देखते रहें विरसा लाइव टीवी। धन्यवाद।